आज फिर से डॉक्टर सोमू सिंह फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके सौजन्य से जो इस ग्रुप के संयोजक हैं, टीचर एजुकेटर्स, उस ग्रुप में मैं आपके साथ आज फिर से एक बार शामिल हूँ। और साउंड नहीं है, थैंक यू राकेश सर, फिर से जरा कंफर्म करिए, साउंड नहीं है क्या? ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इस ग्रुप के पार्ट जो इसमें जुड़े हुए हैं और जो जिन्होंने इस ग्रुप के इन व्याख्यानों को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया, आप सभी को बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के विषय की हम बात करना शुरू करते हैं। आज जो विषय मेरे पास है बात करने के लिए आप लोगों से, वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यहाँ ये टॉपिक ऑब्वियसली बीएड के स्टूडेंट्स, अगर उनको स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाना है, सामान्यतः हम टीचर मेड टेस्ट की बात करते हैं, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी और एमएड के स्टूडेंट्स का तो सिलेबस का पार्ट है ही। इसके अलावा पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स, उन सभी के भी जिनको रिसर्च में अपने में कोई टूल कंस्ट्रक्ट करना है, कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाना है, उन सभी के होपफुली ये काम आएगा। सभी के विशेष मुझको मिल रहे हैं, मैं अभी अलग से नाम न लेके सभी को एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी शुभकामनाएं मैं स्वीकार करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। जो हमने टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात कही है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन में हमने कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि, और वो हम सब समझते भी हैं पहले से, कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जितने भी यहाँ टेस्ट से हमारा मतलब एक टूल से है, और जो टूल्स हम यूज करते हैं अपनी रिसर्च में या किसी और पर्पस से डेटा कलेक्शन के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट जो हमारा होता है, उनको हम अलग अलग आधारों पर अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये अलग अलग बेसिस पर बांटी जाती है, जैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ एवेल्युएशन बांटते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। मैं उनके बारे में और डिटेल अभी बात नहीं करूंगा। जो मेरा मेन उद्देश्य है, जो मेरा मुख्य उद्देश्य है आज के लिए, वो है स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में बात करने के लिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वी कैन डिवाइड द टूल्स और द टेस्ट इनटू टू कैटेगरीज, टू सब कैटेगरीज। वन इज स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड अनदर इज नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हम टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं। डिफरेंस आप सब लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी जगह दिया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं अलग अलग तरीके से दिया होता है। एक बहुत कॉमन लाइन मिलती है जिसको मैं कई बार निगेट करता हूँ, जो लिखता है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं और टीचर मेड टेस्ट टीचर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। इट्स नॉट कंप्लीटली लाइक दिस, लेमैन अंडरस्टैंडिंग में हम इस बात को कह सकते हैं, लेकिन एक टीचर, एक रिसर्चर है तो क्या स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं बना सकता? सो दिस इज नॉट द बेसिक डिफरेंस। द डिफरेंस इज दैट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, अ स्पेसिफिक प्रोसेस इज फॉलोड वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए स्टैंडर्डाइज टेस्ट। देर इज डिफरेंस इन प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन इन टीचर मेड टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्ट। दोनों के पदों में कुछ अंतर है। हम जो प्रक्रिया, जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं टीचर मेड टेस्ट बनाते समय, उससे इतर कुछ दूसरे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाते समय। अब वो कोई भी कर सकता है, टीचर एक्सपर्ट होगा, चूंकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट के स्टेप्स जिनको हम फॉलो करते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाते समय, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, वो थोड़े से ज्यादा टेक्निकल है। टीचर में टेस्ट के स्टेप्स उतने टेक्निकल नहीं है, इसलिए
हम ये कह देते हैं कि सब स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट चाहिए हमको, क्योंकि वो टेक्निकल स्टेप्स है, थोड़े से ज़्यादा टेक्निकलिटीज उसमें शामिल है, तो एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए। लेकिन वो टीचर भी हो सकता है, ऑब्वियसली कोई भी रिसर्चर भी हो सकता है, तो हूसोएवर इज फॉलोइंग दोज स्टेप्स इज एन एक्सपर्ट। सो लाइटली ये लिखना कि भाई उसको टीचर बनाता है, उसको टीचर नहीं बनाता है, इससे काइंड ऑफ लूज स्टेटमेंट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, लाइट स्टेटमेंट। ओके, तो पॉइंट है कि हमने बांटा दो कैटेगरीज में, स्टैंडर्डाइज टेस्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। स्टेप्स क्या हैं, मैं उनके डिफरेंस पर एक बार आऊं और उसके बाद फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट के कंस्ट्रक्शन की बात करना शुरू करूंगा। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हों चाहे नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हों, दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास पहला स्टेप है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। हम प्लान दोनों में ही करते हैं, चाहे हम टीचर मेड टेस्ट बना रहे हों चाहे हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहे हों। प्लानिंग के बारे में डिटेल में आऊंगा बाद में। उसके बाद हम टीचर मेड टेस्ट में, चूंकि हमारे पास एक छोटे ग्रुप के डिफाइंड कंटेंट के लिए टेस्ट हम बना रहे होते हैं, हमको पता है कि मुझको क्लास नाइन्थ में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास नाइन्थ में मुझको, मैं मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैथमेटिक्स मेरा कंटेंट डिफाइंड है। अब इस कंटेंट के लिए मुझको टेस्ट बनाना है, तो मेरे पास डिफाइंड है चीज़ें, कंटेंट डिफाइंड है, वो कॉन्सेप्ट डिफाइंड है, वो सब्जेक्ट डिफाइंड है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आइटम राइटिंग पर चला जाता हूँ। तो इसका मतलब टीचर में टेस्ट में हुआ कि हमने प्लान बनाया और उसके बाद हमने आइटम लिखे। आइटम लिखने से पहले हम वहाँ टीचर में टेस्ट में एक काम और करते हैं, जिसका जो मेन उसका जिस्ट है वो है ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन। हम आइटम लिखने से पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पर, वो ब्लूप्रिंट में आप डिटेल जानते हैं, मैं उसको यहाँ जिक्र नहीं करूँगा अभी, आप अलग सेशन में बात भी कर चुके हैं कि हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव्स का एनालिसिस करते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं। अकॉर्डिंगली वी व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड आवर ब्लूप्रिंट, तब हम उसमें अपना आइटम्स लिखना शुरू करते हैं। और आइटम हम जितने, मान लीजिए अगर मैंने तय किया कि मैं 50 क्वेश्चंस का टेस्ट बनाऊंगा टीचर मेड टेस्ट, तो मैं 50 क्वेश्चंस का ही 50 ही क्वेश्चंस लिखूंगा, राइटिंग ऑफ द आइटम्स 50 क्वेश्चन ही होगी। और 50 क्वेश्चन लिख गए मेरे ब्लूप्रिंट के हिसाब से, टेस्ट पूरा हो गया, बात खत्म हो गई। इतना सा स्टेप हम टीचर मेड टेस्ट में करते हैं। जबकि जब मैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगर मैं बनाना चाहता हूं, तो पहला स्टेप हुआ प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, दूसरा स्टेप डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट, मैं डिटेल में आऊंगा अभी इन चीजों के बारे में, देन तीसरा स्टेप राइटिंग द आइटम्स। और यहां राइटिंग द आइटम में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जहां हमने टीचर मेड टेस्ट में, अगर मुझको 50 आइटम चाहिए थे, आइटम से मतलब मेरा क्वेश्चंस है यहां पर, अगर मुझको 50 क्वेश्चंस चाहिए थे टीचर मेड टेस्ट में, तो मैं 50 क्वेश्चन ही लिखता हूं। जबकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में, राइटिंग ऑफ द आइटम में, हम ज्यादा क्वेश्चन लिखते हैं। अगर मुझको फाइनल फॉर्म में 50 क्वेश्चन चाहिए, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन लिखूंगा। कैसे हम ज्यादा लिखते हैं, क्या उसका बेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। उसके बाद आइटम राइटिंग के बाद में, मैंने अभी तक कहा प्लानिंग ऑफ द टेस्ट की हमने, डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट किया, आइटम राइटिंग की, एंड आइटम राइटिंग के बाद जो इसमें मेन स्टेप है जो डिफरेंशिएट करता है इन दोनों को बेसिकली, वो है आइटम एनालिसिस। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आइटम एनालिसिस होगा, आइटम एनालिसिस हम टीचर मेड टेस्ट में नहीं करते। और अगर मैं कहूं अपनी व्यक्तिगत राय, तो मेरे हिसाब से यही वो स्टेप है जो दोनों को मूलतः अलग करता है, आइटम राइटिंग के बाद आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस की मदद से फिर हम अपने फाइनल क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं, और फाइनल क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने के बाद हम इनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं उस टेस्ट की। और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के बाद फिर हम नॉर्म्स, यदि आवश्यकता है तो तैयार करते हैं। नॉर्म्स के लिए मैंने अभी, मैं फिर एक बार और बात कहूंगा, मैंने इसलिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया कि यदि आवश्यकता है तो।
तो हम नॉर्म्स तैयार करते हैं, और उसके बाद यदि आवश्यकता है तो हम मैनुअल तैयार करते हैं। मैं जरा फिर से रिकैप कर रहा हूं स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स को। पहला हमने किया प्लानिंग ऑफ द टेस्ट, दूसरा हमने किया डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट, तीसरा हमने किया राइटिंग आइटम्स, चौथा हम करें, अब जो मैंने आइटम एनालिसिस बोला यहां मैं इसको तीन हिस्सों में तोड़ता हूं स्टेप्स को, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो मैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो नाम ले रहा हूं यहां मैं कोट कर रहा हूं गिलफर्ड को, ये जेपी गिलफर्ड जिनको आप 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली साइकोमेट्रिशियन बहुत अच्छे रहे हैं और उनकी एक बड़ी अच्छी किताब है साइकोमेट्रिक मेथड्स, पहले टाटा मैकग्रॉ हिल से पब्लिश होती थी, इन दिनों सुजीत पब्लिकेशन से वो किताब आ रही है इंडिया में। साइकोमेट्रिक मेथड्स में जेपी गिलफर्ड लिखते हैं इस टर्म को, पहला कहते हैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा कहते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा कहते हैं थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो उसको कह रहे हैं जिसको कॉमनली किताबों में हम प्री ट्राई आउट बोलते हैं, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन वो उसको कह रहे हैं जिसको कॉमनली फाइनल ट्राई आउट कहा जाता है, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन वो उसको कह रहे हैं जिसको हम ड्रेस रिहर्सल कहते हैं, जिसको कॉमनली अभी मैंने पहले अपने स्टेटमेंट्स में कहा हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश करते हैं, वो थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बात कर रहे हैं, उसी को ड्रेस रिहर्सल भी कहते हैं कुछ लोग। मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं अभी इन सब स्टेप्स में, और उसके बाद फिर जो स्टेप है ड्रेस रिहर्सल के बाद थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो है नॉर्म्स इफ रिक्वायर्ड। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं नॉर्म्स इफ रिक्वायर्ड, क्योंकि नॉर्म्स एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होंगे या नहीं होंगे इस पर डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि बिना नॉर्म्स के स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं माना जाएगा, यानी कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट की जो होने की कंडीशंस हैं, जैसे आइटम एनालिसिस एक मैंडेटरी कंडीशन है, उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी एस्टेब्लिश करना एक मैंडेटरी कंडीशन है, यहां मैंने टर्म बोला है एस्टेब्लिश करना, रिलायबिलिटी वैलिडिटी होना नहीं बोला है मैंने, ये पकड़िएगा शब्द को, क्योंकि सामान्यतः किताबों में ये भी लिखा रहता है कि टीचर मेड टेस्ट में रिलायबिलिटी वैलिडिटी नहीं होती है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होती है, ये गलत स्टेटमेंट है। हम टीचर मेड टेस्ट में रिलायबिलिटी वैलिडिटी एस्टेब्लिश नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते, हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका यह मतलब नहीं है कि टीचर मेड टेस्ट रिलायबल नहीं होगा, हो भी सकता है, हमने कैलकुलेट ही नहीं किए, वैलिड नहीं होगा, यह भी गड़बड़ स्टेटमेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एस्टेब्लिश करते हैं। तो जो थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन या ड्रेस रिहर्सल की बात कही, तो कुछ लोग कहते हैं कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जैसे आइटम एनालिसिस होना चाहिए, रिलायबिलिटी वैलिडिटी का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उसी तरीके से नॉर्म्स होने चाहिए एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट में, ये कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है। वहीं कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट है कि अ टेस्ट कैन बी कॉल्ड अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट इवन विदाउट नॉर्म्स, और इसके लिए मैं कोट करता हूं क्रोनबेक को। क्रोनबेक ने 1970 में अपने इसमें लिखा राइटअप में कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट बिना नॉर्म्स के भी कहा जा सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि नॉर्म्स इफ रिक्वायर्ड। और सामान्यतः रिसर्च में अगर मैं पीएचडी के लिए अपने के लिए कोई टूल बना रहा हूं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो जरूरी नहीं है मुझको जरूरत हो नॉर्म्स की, क्योंकि नॉर्म्स एस्टेब्लिश करना अपने आप में बड़ा काम है। तो नॉर्म्स इफ रिक्वायर्ड, और फिर अगर हम उसको प्रोफेशनली या दूसरे लोगों के लिए यूज के लिए मार्केट में अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसका मैनुअल डेवलपमेंट। इतने स्टेप्स की मैंने बात की। मैं अब जरा स्टेप बाय स्टेप स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स के बारे में बात करूं। ध्यान रखिए कि टॉपिक थोड़ा बड़ा है, एक घंटे के सेशन में इस कंप्लीट को नहीं किया जाएगा, तो मैं कुछ सेलेक्टेड चीज़ें जो मिसकंसेप्शन लाती हैं, जो चीज़ें कन्फ्यूजन लाती हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बाकी वो यूट्यूब जो हमारा NRC का चैनल है, NRC फॉर एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो अर्पित प्रोग्राम के लिए वीडियोस तैयार किए गए, उसमें भी आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हमने शुरुआत की कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम बना रहे हैं, तो पहला काम है प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। प्लानिंग ऑफ द टेस्ट का मतलब है कि हम किस चीज के लिए टेस्ट बना रहे हैं, कौन मेरे टारगेट ग्रुप हैं जिन पर मैं टेस्ट एडमिनिस्टर करूंगा, मैं क्या वेरिएबल नापना चाहता हूं, जैसे मैं अचीवमेंट नापना चाहता हूं, मैं इंटेलिजेंस नापना चाहता हूं,
मैं एटीट्यूड नापना चाहता हूँ, क्या पहला काम? तो कहा कि साहब मैं पहले अचीवमेंट नापना चाहता हूँ। मैंने प्लान किया कि मैं अचीवमेंट एक टेस्ट बनाना चाहता हूँ। ओके, वेरिएबल का प्लान हो गया। किस सब्जेक्ट का अचीवमेंट? हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्या? तो मैंने कहा सर मैं फिजिक्स का अचीवमेंट टेस्ट नापना चाहता हूँ। मेरा जो रिसर्च का पर्पज है वो फिजिक्स अचीवमेंट पर किसी मेथड का इफेक्ट देखना है। तो ठीक है, मैं फिजिक्स का अचीवमेंट नापना चाहता हूँ। किस लेवल की फिजिक्स? प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज लेवल, हायर लेवल? तो मैंने कहा कि सर मैं 9th क्लास के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, मेथड ए और मेथड बी का इफेक्ट कंपेयर करना चाहता हूँ। तो इन दोनों सिचुएशंस में किस मेथड से अचीवमेंट बच्चों का फिजिक्स में बढ़ रहा है नापना चाहता हूँ। तो मैं 9th क्लास की फिजिक्स का अचीवमेंट टेस्ट बनाना चाहता हूँ। प्लानिंग में एक एक स्टेप में बढ़ रहा हूँ, मैं 9th क्लास की फिजिक्स का अचीवमेंट टेस्ट बनाना चाहता हूँ। ओके, मीडियम क्या होगा, इंग्लिश या हिंदी? तो जिस ग्रुप, टारगेट ग्रुप जो मेरा है, मीडियम मैंने डिसाइड कर लिया। कंटेंट क्या होगा, क्या 9th क्लास का पूरा सिलेबस, वो भी किस बोर्ड का, किस बुक का, या कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स, या कुछ सेलेक्टेड टॉपिक? तो कंटेंट क्या होगा ये मैंने डिसाइड किया। मेरे टेस्ट का नेचर क्या होगा, क्या मैं क्राइटेरियन टेस्ट बनाना चाहता हूँ या नॉन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन के लिए टेस्ट बनाना चाहता हूँ? तो मैंने कहा मैं नॉन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन के लिए टेस्ट बनाना चाहता हूँ। और फिजिक्स का 9th क्लास का 5 चैप्टर्स मैंने फाइनल कर लिए, इन 5 चैप्टर्स पर बेस्ड मैं टेस्ट बनाना चाहता हूँ, या पूरा सिलेबस 9th क्लास का मैंने ले लिया कि मैं 9th क्लास के पूरे सिलेबस के लिए टेस्ट बनाना चाहता हूँ, जो मेरा इंग्लिश मीडियम में होगा। ओके, टेस्ट का नेचर क्या होगा इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? तो मैंने कहा सर मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना चाहता हूँ। प्लानिंग का स्टेप बढ़ रहा है, मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना चाहता हूँ। ओके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना चाहते हैं, आइटम्स का टाइप क्या होगा, सिलेक्शन टाइप या सप्लाई टाइप? तो मैंने कहा सर मैं सिलेक्शन टाइप बनाना चाहता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन टाइप सप्लाई टाइप। सप्लाई टाइप जिसमें बच्चे को आंसर सप्लाई करना पड़ता है, और सिलेक्शन टाइप जिसमें ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें से किसी एक आंसर को पिक करना होता है। तो मैंने कहा मैं सिलेक्शन टाइप आइटम रखना चाहता हूँ। सिलेक्शन टाइप में भी कौन सा फॉर्म में रखना चाहता हूँ, यस नो भी सिलेक्शन टाइप है, मैचिंग द पेयर भी सिलेक्शन टाइप है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज भी सिलेक्शन टाइप है, सब ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने कहा सर मैं MCQs रखना चाहता हूँ। तो आई फाइनली डिसाइडेड कि मैं MCQs रखना चाहता हूँ जिसमें 4 चॉइस होंगी हर क्वेश्चन में। ये सिलेक्शन टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 9th क्लास फिजिक्स का CBSE की बुक का पूरा सिलेबस जो इंग्लिश मीडियम में होगा ये मेरा, और उसका मैं अचीवमेंट टेस्ट बनाना चाहता हूँ, ये मैंने प्लान कर लिया। कितने आइटम्स में रखना चाहता हूँ टेंटेटिवली, मैंने टेंटेटिवली वर्ड बोला, ध्यान रखिएगा, ये भी एक बात आएगी जब हम आइटम एनालिसिस पर पहुंचेंगे कि क्यों मैंने टेंटेटिवली बोला है इस चीज़ के लिए। मैंने कहा कि सर मैं 50 आइटम रखना चाहता हूँ टेंटेटिवली। ये इसलिए जरूरी है निर्धारित करना कि 50 आइटम्स ये अगर मैं रखना है मुझे फाइनल टेस्ट में, तो मुझको कितने आइटम्स फाइनली लिखने चाहिए, शुरुआत में लिखने चाहिए। तो मैंने कहा मैं फाइनल फॉर्म में चाहता हूँ सर 50 आइटम हो। अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकती है, या तो मैं कहता हूँ कि 50 आइटम रिजिड हो, 50 ही चाहिए मुझे एनी हाउ, या दूसरा ये ऑप्शन हो सकता है कि सब लगभग 50 चाहिए। दोनों के केस में डिफरेंस आएगा आगे हम जब डिसीजन लेंगे आइटम एनालिसिस में, इस बात से कि मैंने कहा कि मुझको 50 ही चाहिए फिक्स्ड, या 50 के लगभग चाहिए। तो मैंने अभी फिलहाल कहा कि मुझे 50 आइटम चाहिए, हम रिजिड और उसके बारे में उस टॉपिक पर तब बात करेंगे। ओके, तो अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया, इतनी प्लानिंग कर ली है, तो अब मेरे पास नेक्स्ट उद्देश्य है मैं करूँ, ध्यान देना मैंने टाइम लिमिट अभी डिसाइड नहीं किया है, टाइम लिमिट अभी नहीं डिसाइड किया हमने, टाइम लिमिट हम आएंगे एक अलग स्टेप। तो मैंने कहा कि मैं 50 आइटम लिखना चाहता हूँ, 50 आइटम का टेस्ट बनाना चाहता हूँ। तो नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट। डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्ट आप समझते ना, वे चर या वे एट्रीब्यूट्स, वे कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स ज्यादातर कंस्ट्रक्ट हैं, इंटेलिजेंस कंस्ट्रक्ट है, हाइट मनुष्य की कंस्ट्रक्ट नहीं है। हाइट आप डायरेक्ट स्केल लगाइए, नाप लीजिए, लेकिन जब मैं कहूंगा इंटेलिजेंस, आपके पास कोई डायरेक्ट स्केल नहीं है, आप इनडायरेक्ट
तरीके से इसको मेज़र करते हैं। तो वे ये सब ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्ट कहलाते हैं। तो यहाँ मेरा कंस्ट्रक्ट, जब मैं फिजिक्स के इस टेस्ट की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट है, अचीवमेंट इन फिजिक्स। तो मैं किस चीज को कहना चाहता हूँ, क्या नापना चाहता हूँ, या ये टर्म मैंने इसलिए रखा है, ये स्टेप इसलिए रखा है डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट, क्योंकि कई बार हम नए कंस्ट्रक्ट के लिए टेस्ट बना रहे होते हैं। जैसे आप इमेजिन करिए, कभी किसी जमाने में किसी व्यक्ति ने इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए पहली बार टूल बनाया होगा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस किसको कहेंगे, कौन से ऐसे गुण हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रेजेंस या एब्सेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मैं किन बिहेवियर के होने पर कहूंगा कि अब ये आदमी इमोशनल इंटेलिजेंट है, दूसरे पर कब ये मैं कहूंगा कि ये आदमी इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है। ये जो प्रेजेंस और एब्सेंस जिन चीजों से रिफ्लेक्ट होगी, इनको आइडेंटिफाई करना, एक्चुअली वी आर डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट। तो शुक्र यह है कि फिजिक्स के अचीवमेंट हमारा बहुत एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्ट है, यहां मुझको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा कंस्ट्रक्ट ले रहा हूं जो या तो नया है या मैं नए तरीके से डिफाइन कर रहा हूं, तो मुझको डिफाइन करना होगा, तो मुझको बताना होगा कि मेरा उद्देश्य किन चीजों से है यहां कंस्ट्रक्ट से, मतलब उसको मुझको ऑपरेशनली भी डिफाइन करना होगा वहीं पर। तो मैं डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्ट कर लूंगा, यहां मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अचीवमेंट, फिजिक्स अचीवमेंट काफी एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पर चलूं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या राइटिंग द आइटम्स। राइटिंग द आइटम्स में जरूरी है, जैसा मैंने टीचर में टेस्ट में कहा कि हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट के आधार पर हम आइटम्स लिखते हैं, जितनी हमको आवश्यकता है, 50 की आवश्यकता है तो 50 ही लिखते हैं, जबकि स्टैंडर्डाइज टेस्ट में हम ज्यादा आइटम लिखते हैं। अब कितने ज्यादा लिखें, 50 मुझको जरूरत है तो कितने ज्यादा मैं लिखूं, इसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट देते हैं। कोई कहता है दोगुने लिखने चाहिए, कोई कहता है कितने लिखने चाहिए। यहां मैं फिर से गिलफर्ड को कोट करता हूं, साइकोमेट्रिक मेथड्स की उनकी किताब, वो कहते हैं देयर इज नो नीड टू राइट मोर देन 50% एक्स्ट्रा आइटम्स। इसका मतलब कहते हैं कि आप डेढ़ गुना आइटम लिख लीजिए, सफिशियंट है। जैसे मैं 50 की जगह में 75, मुझे को फाइनल अगर 50 चाहिए लगभग, तो मैं 75 आइटम्स लिख लूं। आइटम्स का मतलब क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चंस मुझको चाहिए मैं 75 यहां लिखूंगा। फिजिक्स की किताब जो मैंने एनसीईआरटी की ली 9th क्लास की, उस पर बेस्ड सिलेबस पर बेस्ड मैंने 75 आइटम 75 आइटम्स लिख लिए, क्योंकि मुझको फाइनली 50 चाहिए, लगभग डेढ़ गुने मैंने लिखे। वो उसी टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिनमें चार चॉइस होंगे। जब मेरा आइटम राइटिंग का टास्क पूरा हो गया, तब मैं फिर पहुंचूंगा नेक्स्ट टास्क, जो है मेरा प्री ट्राई आउट, जिसको लोग बोलते हैं कुछ लोग बोलते हैं फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पहले एक प्राइस ने एक स्टेप्स कुछ स्टेप्स दिए जो डिटेल्ड हैं, जो मैंने अभी स्टेप्स आपको बताए वो मैंने समराइज करके बताए थे, प्लानिंग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइस ने काफी सारे स्टेप्स दिए, उन्होंने बीच बीच में छोटी छोटी और चीजों को इंक्लूड किया है। वहीं एक चीज ऐसी है जिसको मैं प्राइस की तरफ से यहां कोट कर रहा हूं, कि मैं जब फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जाऊंगा, तो उससे पहले मुझको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं ये टेस्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, आइटम एनालिसिस और बाकी सारे जो मैंने कहा, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैं किन लोगों पर करूंगा, वो टारगेट ग्रुप मुझको आइडेंटिफाई करना होगा। ध्यान दीजिए, मैंने 9th क्लास फिजिक्स के स्टूडेंट जिनके लिए मैं अचीवमेंट टेस्ट बनाने जा रहा हूं, वो तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए, जिस ग्रुप पर मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं अपना, वो मेरा आइडेंटिफाइड है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्यूरिंग द टेस्ट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, ये उन बच्चों पर नहीं हो सकते, क्योंकि उन बच्चों पर तो मैं फाइनल टेस्ट लगाऊंगा। अगर पहले ही मैं इनको कंस्ट्रक्ट इन पर एडमिनिस्टर कर दूंगा अपना टेस्ट, तो उनको तो एक्सपोजर हो जाएगा टेस्ट आइटम्स का। तो ध्यान दीजिए कि उसी पॉपुलेशन से, जिस पॉपुलेशन के लिए मैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना रहा हूं, लेकिन उस सैंपल से इतर, जिस सैंपल पर मैं फाइनली यूज करूंगा, मैं दूसरा सैंपल लूंगा अपना टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर से मैं बोलता हूं इस लाइन को, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं टेस्ट बनाना चाहता हूं 9th क्लास के फिजिक्स स्टूडेंट के लिए, ठीक है। फिजिक्स स्टूडेंट्स जो 9th क्लास के हैं, वो जिन पर मैं टेस्ट लगाऊंगा,
वो मेरा एक सैंपल आइडेंटिफाइड है, जिस स्कूल में मैं अपना एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ मेथड ए और मेथड बी से पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा सैंपल आइडेंटिफाइड है जो उसी पॉपुलेशन से है, नाइन्थ क्लास की फिजिक्स की पॉपुलेशन से। तो इस सैंपल को मैं टच नहीं करूंगा, ये तो मैं फाइनल में यूज करूंगा जब मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो इसको अलग छोड़ दीजिए। अब उसी तरीके का और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मुझको चाहिए इसी पॉपुलेशन से, दूसरे स्कूल से ले लूं, किसी तीसरे स्कूल से ले लूं, ये मुझको उसी पॉपुलेशन से दूसरे सैंपल लेने होंगे जिनमें मैं ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन के एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा। टेस्ट कंस्ट्रक्शन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मान लीजिए मैंने कोई स्कूल एक्स है, वहां अपना एक्सपेरिमेंट प्लान कर रखा है, तो मैं एक्स को छोड़ के अब मैं वाई स्कूल में जाऊंगा, वाई में, जेड में, जहां मेरे लिए सुविधाजनक है, जहां मुझको वो सैंपल मिल जाएगा कन्वीनियंट सैंपलिंग के थ्रू। हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पर भी जा सकते हैं, जैसी मेरी सुविधा है, जैसी मेरी, जैसा मेरे लिए संभव है, जैसे मेरे रिसोर्सेज हैं, अकॉर्डिंगली हम प्लान कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं प्री ट्राई आउट फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो प्री ट्राई आउट हम लगभग 100 स्टूडेंट्स पर करते हैं, 100 स्टूडेंट्स। ये 100 स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूं उस सैंपल से अलग होंगे जिस पर मैं फाइनली एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, लेकिन उसी पॉपुलेशन का पार्ट होंगे। तो उन्हीं पॉपुलेशन के स्टूडेंट से मैंने दूसरे 100 स्टूडेंट सेलेक्ट किए और उन पर यह टेस्ट में एडमिनिस्टर करूंगा। प्री ट्राई आउट या फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पज क्या है? मैं टेस्ट में यह जानना चाहता हूं कि जो मैंने टेस्ट बनाया है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस तैयार किए हैं, क्या वो इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? पहला उद्देश्य प्री ट्राई आउट का। दूसरा, क्या आइटम्स में कोई एम्बिग्यूटी है, कोई ऐसा कंफ्यूजन है जो पता चले कि क्वेश्चंस में मैं पकड़ ही नहीं पाया, बच्चे कहने सब ये तो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं है, कहीं कोई मिसप्रिंट या इस तरह से ऑप्शंस का रिपीटेशन, मल्टीपल चॉइस मैंने दिए हैं, कोई आंसर छूट गया, बहुत तरीके की टाइपोग्राफिकल और बहुत सारे एरर हो सकती हैं, कोई और ऐसी ग्रॉस एरर तो नहीं है। और चौथा मेरा यहाँ उद्देश्य है एक टाइम लिमिट डिसाइड करना, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने शुरू में टाइम डिसाइड नहीं किया है प्लानिंग के टाइम पर, यहां मैं डिसाइड करूंगा टाइम कितना चाहिए मुझको टेस्ट के लिए। तो मैं फिर रिकैपिचुलेट कर रहा हूं, अब मैंने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्री ट्राई आउट के लिए उसी पॉपुलेशन से अलग 100 बच्चे आइडेंटिफाई किए, उन 100 बच्चों पर मैं अपना टेस्ट लगाने जा रहा हूं, जिसमें कि आज की डेट में अभी 75 आइटम है, 75 आइटम है, क्योंकि मैंने डेढ़ गुने आइटम लिखे हैं। तो मैं 75 आइटम्स इन बच्चों पर एडमिनिस्टर करूंगा, इन 100 बच्चों पर, और कंप्लीट लिबरल इन्वायरमेंट में। लिबरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? यहां मेरा पर्पज उनकी ग्रेडिंग करना नहीं है, तो बहुत रिजिड टेस्टिंग कंडीशंस नहीं है। हम बच्चों को कहेंगे कि भाई आप जब किसी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत लगे, तो अगर कोई बहुत चाहे तो आप दौरान भी मुझसे पूछ सकते हैं, उस चाहे तो आप बाद में भी कह सकते हैं कि साहब इसमें ये दिक्कत थी, नोट करते जाइए उस चीज को, तो अपनी प्रॉब्लम्स बताते जाइए। कहीं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, फिर क्वेश्चंस आपको सारे करने हैं, छोड़ना नहीं है कोई भी, आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन सारे करने हैं, इस तरह के लिबरल एनवायरमेंट में, और लगातार करते जाइए बिना किसी डिस्टर्बेंस के करते जाइए। इससे फायदा क्या होगा कि मैं एक नजर रखूंगा स्टूडेंट्स के ऊपर, बीच बीच में अगर कोई ऐसी एम्बिग्यूटी आ रही है तो उसको नोट करता जाऊंगा, और जब एडमिनिस्ट्रेशन मेरा पूरा हो जाएगा तो मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, एक तो टेस्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या, इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आई, या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्वेश्चन की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन के ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, या कोई और मेजर टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है, ये चीज़ मुझे मैसेज मिल जाएगा, फीडबैक मिल जाएगा। दूसरा, मुझको एक टेंटेटिव टाइम लिमिट सेट हो जाएगी मेरी। टाइम लिमिट सेट होने से क्या मतलब है? मान लीजिए मैंने 75 आइटम्स दिए हैं और बच्चों को सॉल्व करने में डेढ़ घंटा लग गया, 90 मिनट्स, तो इसका मतलब मुझे एक अंदाजा लग गया कि अगर 75 क्वेश्चंस को बच्चे 90 मिनट्स में कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब मैं 50 क्वेश्चंस का टेस्ट बनाऊंगा तो मुझे एक घंटे की टाइम लिमिट सफिशियंट होगी। इस तरीके से मैं टाइम लिमिट डिसाइड करता हूँ रैशनल फॉर्म में। तो मेरा ये प्री ट्राई आउट का यहाँ काम पूरा हुआ, मुझे ये फीडबैक मिला। अब इस फीडबैक के बेसिस पर मुझे डिसीजन लेना होगा, ऐसे आइटम्स जिनमें बहुत मेजर प्रॉब्लम है मैं उनको ड्रॉप कर सकता हूं, ऐसे आइटम्स जिनमें माइनर प्रॉब्लम्स हैं
कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हो गई हैं, उनको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। ऐसे आइटम्स जिनमें ड्रॉप करते करते अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, पता चला कि 50 से नीचे गिर गए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तो मुझको रीराइट करना होगा कुछ आइटम्स को। तो क्या मुझको करना है, अपनी इंस्ट्रक्शंस में मेरी में अगर कोई कन्फ्यूजन है, उनमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, किस तरह के मॉडिफिकेशंस में। पल्लवी पूछ रही है सैंपल साइज 100, मैंने बोला लगभग 100 लोगों पर हम प्री ट्राई आउट करते हैं। तो इस तरह से मुझको उस सैंपल के बेसिस पर, उस प्री ट्राई आउट के फीडबैक के बेसिस पर आइडिया मिल गया कि मेरे टेस्ट में क्या कमी है क्या नहीं है, और मैं अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। अब ड्रॉप करने के बाद आइटम्स 75 से कम भी हो सकते हैं, 75 भी रह सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ग्रॉस डिफेक्ट नहीं मिला, किसी में ड्रॉप करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मॉडिफिकेशन से काम चल गया, तो 75 के 75 भी रह सकते हैं। जैसी भी सिचुएशन होगी उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, शर्त यह है कि बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाने चाहिए। पता चले कि 75 के करके 50 ही रह गए, 60 रह गए, तो वो पर्पज आइटम एनालिसिस का सर्व नहीं करेंगे आगे। इसलिए मुझको आइटम्स बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग अगर हो रही हो तो फिर से आइटम लिखने चाहिए और फिर से एक बार ट्राई आउट करना चाहिए। और अगर नहीं हो रही है अबाउट ड्रॉपिंग, तो फिर मैं इसके साथ 75 के 70 रह गए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से मैंने प्री ट्राई आउट पूरा किया, और प्री ट्राई आउट पूरा करने के बाद में अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूंगा, जिसको हम कहते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको कुछ लोग फाइनल ट्राई आउट भी कहते हैं या ट्राई आउट प्रॉपर भी कहते हैं इसी को कुछ लोग। जो मेरा सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ट्राई आउट प्रॉपर है या जो फाइनल ट्राई आउट है, इसका पर्पस मेरा आइटम एनालिसिस है। तो जो टेस्ट कंस्ट्रक्शन का जो मैं कहता हूँ कि जो धुरी है स्टैंडर्डाइज टेस्ट की, वो आइटम एनालिसिस वो इस एडमिनिस्ट्रेशन से होगी, जिसको हम फाइनल ट्राई आउट कह रहे हैं या ट्राई आउट प्रॉपर कह रहे हैं या सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं। ये मेरा आइटम एनालिसिस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और ये एडमिनिस्ट्रेशन लगभग 400 बच्चों पर होगा, अराउंड 400 स्टूडेंट्स। 400 स्टूडेंट्स का सैंपल चाहिए। अब ध्यान दीजिए, एक तो वो स्कूल जिस पर मैं अपना फाइनल एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं वो अलग है, दूसरा जिन 100 बच्चों पर मैंने प्री ट्राई आउट कर लिया वो भी अब बाहर हो गए मेरी इस ग्रुप से, क्योंकि उनको एक बार टेस्ट का एक्सपोजर मिल गया। अब मुझको इसी पॉपुलेशन से नया 400 का सैंपल चाहिए, जो इन दोनों ग्रुप्स को हटा देगा, जो फाइनल जिसमें मैं टेस्ट एडमिनिस्टर करूंगा और दूसरा जिस पर मैं प्री ट्राई आउट कर चुका हूं। तो इन दोनों को हटा के नए 400 का सैंपल मुझको चाहिए उसी पॉपुलेशन से, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो 400 मैंने कर लिए, 400 लोगों पे किया। यहां मैं आऊंगा अभी उस लाइन पर कि कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि 370 पर करना चाहिए, वो कैलकुलेशन को इजी बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आते हैं उस रीजन पर भी। 400 बच्चों पर मुझे एडमिनिस्टर करना है, तो अब मैंने उन रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शंस के साथ में, वो मॉडिफाइड आइटम्स के साथ में, जो मेरे आइटम्स हैं, सपोज 75 ही है मेरे, तो मैं उन 75 आइटम्स को अब इन 400 पर एडमिनिस्टर करूंगा, और यहां मेरी टेस्टिंग कंडीशंस स्ट्रिक्ट होंगी, प्रॉपर टेस्टिंग कंडीशंस होंगी। स्ट्रिक्ट से मेरा मतलब है प्रॉपर टेस्टिंग कंडीशन होंगी। प्री ट्राई आउट में मैंने लिबरल एडमिनिस्ट्रेशन था मेरा, ना फिक्स टाइम लिमिट थी, बच्चों को मैंने कह रखा था कि कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मुझसे बीच में पूछ लीजिए, कोई बहुत ग्रॉस प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बीच में बता दीजिए। फाइनल ट्राई आउट जिसको हम कह रहे हैं या सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरा प्रॉपर टेस्टिंग की तरह होगा, प्रॉपर टेस्टिंग की तरह। कि मैंने कहा कि देखो बेटा तुम्हारे पास 90 मिनट्स का टाइम है, मैंने टाइम लिमिट फिक्स कर दी, 90 मिनट्स का टाइम है, आपको टेस्टिंग सब दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन, उसके बाद शुरू करना है, एक दूसरे पूछताछ नहीं करनी है, मुझसे बीच में कुछ नहीं पूछना है, आप सारे क्वेश्चन जितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं उतने करते जाइए, और जब टेस्ट का टाइम पूरा हो जाएगा कॉपी जमा करिए, जैसे प्रॉपर हम एग्जाम कराते हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे होगा। ये जब 400 बच्चों का एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो इनकी हम जो आंसर शीट्स हैं उसको इकट्ठा कर लेंगे, बच्चों को फ्री कर देंगे, और अब ये जो आंसर शीट्स मेरे पास आई इनसे मैं आइटम एनालिसिस करूंगा। यहां मैं 370 और 400 वाले कन्फ्यूजन पर आता हूं। लगभग 400 हमको चाहिए। ये ध्यान देना कि जब हम बिहेवियरल साइंसेज में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, साइकोमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं, तो एरर्स का स्कोप हमको रखना होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे संख्या होती है तो चलती है,
ज्योति पूछने वाई 400 सैंपल अब सजेस्टेड है, इससे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए एक सफिशियंट हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैंपल मिल जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ। लेकिन इसमें जो 370 का कहना है लोगों का, वो ये कहना है कि अभी हम जब आइटम एनालिसिस के स्टेप पर पहुंचेंगे तो हम वहाँ 27% स्टूडेंट्स को लेते हैं, ये जो ग्रुप है मेरे पास फाइनल ट्राई आउट में, इसका 27% हम लेते हैं। मैं 27% पर भी आऊँगा, केली ने जो कहा है 1939 में कि क्यों हम 27% लेते हैं, मैं आऊँगा उस बात पर भी अभी। लेकिन जब 27% लेते हैं तो 400 का 27% अगर आप लें तो इट बिकम्स 108, 108 स्टूडेंट्स हम लेते हैं। और अगर मैं 370 स्टूडेंट्स लूँ तो 370 का जब हम 27% 27% लेते हैं तो वो हमारे पास 100 आता है, राउंड ऑफ करके, पॉइंट्स में थोड़ा बहुत है लेकिन 100 आता है। तो ये जो 27% मैंने लिया, ये जो 100 आया, तो 100 आने से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आइटम एनालिसिस के पास इतना सा पॉइंट है इसीलिए। लेकिन 27% क्यों लेते हैं इस बात पर मैं आता हूँ। ये जो 100 और 400 ये जो सजेस्टेड साइज हैं, ये साइकोमेट्रिशियंस के सजेस्टेड साइज हैं पॉपुलेशन सैंपल्स के लिए, कि इतने लोगों पर रिप्रेजेंटेशन अगर आप टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो हमको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया। अब मान लीजिए मैंने 370 बच्चों पर कर लिया, मैं कैलकुलेशन के इजी के लिए बता रहा हूँ, 370 पर मैंने कर लिया। 370 बच्चों पर एडमिशन करने के बाद अब मैं इनकी सबकी कॉपी चेक करूंगा, सबके स्कोर प्रोवाइड करूंगा, यानी कि जिसके जितने क्वेश्चन सही हैं, जिसके जितने क्वेश्चन गलत हैं, अकॉर्डिंगली जैसे मार्किंग करनी है मुझे, स्कोरिंग करनी है मैं स्कोरिंग कर लूंगा। स्कोरिंग करने के बाद इन सभी बच्चों का मैं स्कोर्स के बेसिस पर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लूंगा सारी आंसर शीट्स को। यहां ध्यान रखिएगा, अभी यहीं मैं एक स्टेप में डिफ्रेंशिएट करूंगा कि हम टेस्ट कौन सा बना रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं 9th क्लास का फिजिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला अचीवमेंट टेस्ट बनाने की। अगर मैं एटीट्यूड स्केल बना रहा हूँ तो मेरा प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बदलेगी, अभी तक सेम चल रही है, यहां तक भी सेम है सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन तक, लेकिन उसके बाद आइटम एनालिसिस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, आऊंगा मैं उस पॉइंट पर। जब मैंने कहा कि सारे बच्चों के 370 बच्चों की कॉपी चेक कर ली और उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वो एक हाईएस्ट नंबर को ऊपर रख लिया, लोएस्ट नंबर को नीचे रख लिया, स्कोर को उनको मैंने क्रम में लगा दिया। इस बात को मैं यहां पीछे आप जरा देखें कि ये मेरा इस तरीके से मैंने उन 370 बच्चों को लगाया है, ये लोएस्ट स्कोरर हैं, ये हाईएस्ट स्कोरर है, और ये टोटल मेरे पास 370 स्टूडेंट्स हैं। 370 स्टूडेंट्स की कॉपीज को मैंने एक कॉपीज कहिए स्कोर्स कहिए स्कोर्स को एक क्रम में लगा रखा है। ये लोएस्ट स्कोर जिसने अचीव किया वो यहां से शुरू हो रहा है, जिसने हाईएस्ट स्कोर अचीव किया वो यहां पहुंच रहा है, और अब मेरे पास ये 370 स्टूडेंट्स हैं। मुझको इन 370 में से 27% लोअर और 27% अपर को लेना है। इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम ग्रुप मेथड। ये 27% यानी कि ये हो गया 27%, ये अपर ग्रुप मैंने कहा। ये 27% इसको मैंने लोअर ग्रुप कहा। अब ये जो बीच में बचा 46% मिडिल ग्रुप जो है 27 एंड 27 54% हो गया, ये बीच में जो बचा 46% ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैंने इनको हटा दिया, आपने इसकी मुझको जरूरत नहीं है। तो मैं अब इन स्टूडेंट से मुझको कुछ लेना देना नहीं है, ना इनका डेटा मेरे कुछ काम आने वाला है, आई रिमूव देम। अब मेरे पास दो ग्रुप बच गए, एक ढेर है 27% अपर ग्रुप, एक ढेर है 27% लोअर ग्रुप। इसमें अगर मैंने 370 स्टूडेंट्स लिए हैं तो 370 का 27% लगभग राउंड ऑफ करके 100 स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि टॉप 100 स्टूडेंट्स का स्कोर मेरे पास ऊपर है और लोएस्ट 100 स्टूडेंट्स का स्कोर मेरे पास लोअर ग्रुप में है।
अब मैं इनके इन दो एक्सट्रीम ग्रुप्स के बेसिस पर अपना आइटम एनालिसिस शुरू करूंगा। यहां अब प्रोसेस डिफरेंट हो रहा है, एटीट्यूड स्केल में अलग तरीके से चलेंगे। अब मैं उस अचीवमेंट टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूं आपसे। ये 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास टॉप, ये 100 स्टूडेंट्स हैं। 27% ही हमने क्यों लिया, इसके लिए कैली कहते हैं। आपको एक चीज समझना होगा यहां पर कि टेस्ट का बेसिक पर्पज क्या है। टेस्ट का बेसिक पर्पज किसी भी, जब आप अचीवमेंट टेस्ट में लगा रहा हूं तो मेरा यहां बेसिक पर्पज ये है कि कौन स्टूडेंट्स उस गुण में ज्यादा हैं, किनका पोजेशन उस गुण का ज्यादा है, कौन ज्यादा वो हाई अचीवमेंट पजेस करते हैं, कौन लो अचीवमेंट पजेस करते हैं, यानी कि उस गुण की मात्रा किन लोगों में ज्यादा है किन लोगों में कम है, उनमें विभेद करना, डिफ्रेंशिएट करना, डिस्क्रिमिनेट करना, अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप, यही तो हम चाहते हैं बेसिकली। हम किसी भी टेस्ट से और क्या चाहते हैं, ये यही तो हम कह रहे हैं कि भाई मैं ये टेस्ट लगा के पता कर दूं कि कौन, अगर इसको एकेडमिक टर्म्स में निगेटिव मत लीजिएगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसमें ज्यादा है ये गुण किसमें कम है गुण। ओके, तो अब अगर ये काम टेस्ट का है तो यही काम तो हर आइटम का भी तो होना चाहिए। हर आइटम की भी तो अपनी यही खासियत होनी चाहिए कि वो उस गुण के धारक और गैर कम धारक में, ज्यादा धारक और कम धारक में अंतर कर सके, डिस्क्रिमिनेट कर सके हाई पोजीशन लो पोजीशन वालों को। यही तो बेसिक अंतर, यही तो बेसिक काम है टेस्ट का। आप उसी के बेसिस पर सब क्लासिफिकेशन डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जब हम डिस्क्रिमिनेट करने की बात कर रहे हैं, यानी कि दो ग्रुप्स को, अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप, अपर ग्रुप से बिलोंग करने वाले विद्यार्थी और लोअर ग्रुप से बिलोंग करने वाले विद्यार्थी, ये जो दो ग्रुप बन रहे हैं, इन दो को डिस्क्रिमिनेट कर सके, यानी कि इनके बीच के डिफरेंस को सिग्निफाई कर सके, ये जब हम क्रिटिकल रेशियो बीच का निकालते हैं, तो जब हम 27% लेते हैं तो हाईएस्ट इफेक्टिव होता है। 25% भी लेते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, आइटम एनालिसिस में 25% भी लेते हैं, लिया जाता रहा है। इसी के बेसिस पर जब लोग, कोई 25% लेता था, कोई 30% लेता था, कोई कुछ लेता था, तो केली ने एस्टेब्लिश किया कि व्हेन वी टेक 27% ऑफ दिस ग्रुप, इन अपर ग्रुप 27%, इन लोअर ग्रुप 27%, देन वी गेट द हाईएस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू, इसलिए हम उसको 27% लेते हैं। तो मैंने 27% लिया, और चूंकि मैं 27% ले रहा हूं तो 100 आ जाएगा कैलकुलेशन के लिए, इजी करने के लिए, इसलिए मैंने 370 बच्चे लिए 400 की जगह। तो मैंने 370 बच्चे ले लिए और 100 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया। अब मेरा काम क्या है, अब मेरे पास अपर ग्रुप लोअर ग्रुप, और अब मैं आइटम एनालिसिस के लिए एक टेबल बनाऊंगा। वो टेबल मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं। हम ये दिमाग में रखें कि अब हमने ऊपर के 100 बच्चे और नीचे के 100 बच्चे ग्रुप में से हमारे पास हैं, उनके स्कोर्स आंसर शीट हमारे पास है। अब हमारा काम है आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आइटम एनालिसिस हर आइटम का एनालिसिस है। और आइटम कितने हैं मेरे पास, अभी जो मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किया है 75। तो इसका मतलब है कि मुझको 75 एनालिसिस करने होंगे, 75 आइटम एनालिसिस, 75 आइटम्स का एनालिसिस करना होगा। हर आइटम का अलग से एनालिसिस होगा। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें पहले मैं लिखूंगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कहां तक जाएगा इस टेबल में, कितने आइटम्स का मुझको एनालिसिस करना है, 1, 2, 3, 4, 5 up to 75, हर आइटम का एनालिसिस, तो 75 तक जाएगा। अब एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये मैं कहूंगा यहां पासिंग प्रपोर्शन इन अपर ग्रुप, यूजी मैंने लिखा है अपर ग्रुप, पासिंग प्रपोर्शन इन अपर ग्रुप। तीसरे में मैंने लिखा पासिंग प्रपोर्शन इन लोअर ग्रुप एलजी। विजिबिलिटी अगर नहीं होगी इस बोर्ड की तो मैं जो बोल रहा हूं, यहां मैंने लिखा है पासिंग प्रपोर्शन इन अपर ग्रुप, यहां लिखा है पासिंग प्रपोर्शन इन लोअर ग्रुप। इसका मतलब क्या है पासिंग प्रपोर्शन का, हम कैसे निकालेंगे,
मैंने क्वेश्चन नंबर एक के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर एक, अपर ग्रुप. तो अपर ग्रुप में 100 कॉपी है मेरे पास, 100 स्टूडेंट्स हैं. तो मैंने पहले क्वेश्चन के लिए पहले स्टूडेंट की, अपर ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स में से पहले स्टूडेंट की कॉपी उठाई और देखा सही किया है उसने या गलत किया है आंसर. पासिंग से मेरा मतलब होता है यहां जिसने क्वेश्चन के आइटम को सही आंसर किया है, उस आइटम को, उस क्वेश्चन को सही आंसर किया है, इसका मतलब उसने उस आइटम को पास कर लिया. जिसने गलत किया वो उस आइटम पर फेल हो गया. तो 100 जो स्टूडेंट है अपर ग्रुप के लिए, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि 100 के 100 विद्यार्थियों ने पहले आइटम को सही कर दिया होगा. हो सकता है अगर किया भी होगा तो भी कोई सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी हम आएंगे बात करेंगे. 100 स्टूडेंट्स में से कितने लोगों ने इस आइटम को, आइटम नंबर 1 को सही किया है. मान लीजिए 100 में से 80 लोगों ने सही किया है, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इज द पासिंग प्रोपोर्शन ऑफ अपर ग्रुप फॉर क्वेश्चन नंबर 1. यही मेरे पास 100 की जगह 108 होते अपर ग्रुप में, अगर मैंने 400 बच्चे लिए होते तो मैं क्या करता, अगर 108 में से 80 ने ठीक किया होता तो 80 डिवाइडेड बाय 108 वो प्रोपोर्शन हो जाता पासिंग प्रोपोर्शन. फेल प्रोपोर्शन क्या है, 100 में से अगर 80 ने ठीक किया तो फेल प्रोपोर्शन क्या हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 100. तो पहला नंबर क्वेश्चन अपर ग्रुप में कितने लोगों ने सही किया वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अपर ग्रुप, दैट इज पासिंग प्रोपोर्शन इन अपर ग्रुप. यहां मैंने अगर 108 लिया होता, 400 बच्चे होते तो मुझे 80 को 108 से डिवाइड करना पड़ता, जो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता कैलकुलेट, टिपिकल थोड़ा सा टफ हो जाता, टिपिकल इज रॉन्ग वर्ड हियर, टफ हो जाता कैलकुलेशन करने, मुझे कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ती. जैसे ही मैंने इसको 370 रखा है तो अपर ग्रुप में बच्चे हैं 27% जो 100 हैं, 80 डिवाइडेड बाय 100 बड़ा आसान है 0.80, 100 से डिवाइड करना आसान है इसलिए रखते हैं हम 370, इससे अलग कोई और लॉजिक नहीं है कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए. सो अगर 80 लोगों ने सही किया है अपर ग्रुप में तो पासिंग प्रोपोर्शन ऑफ अपर ग्रुप इज 0.80. अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लोअर ग्रुप का पासिंग प्रोपोर्शन क्या है वो निकालूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 को लोअर ग्रुप के 100 स्टूडेंट्स में से कितने लोगों ने सही किया है. कॉमन सेंस ये कहता है कि लोअर ग्रुप में कम बच्चों ने ठीक किया होगा, बराबर भी कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी कर सकते हैं. अगर ज्यादा कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगा. ऐसा क्वेश्चन जिसको लो परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट ज्यादा कर रहे हैं ऐसे कैसे होगा कॉमन, लेकिन होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा टेक्निकली भी आगे. तो मैंने लोअर ग्रुप में देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 को कितने लोगों ने सही किया है. तो मैंने कहा कि सब मान लीजिए मैंने काउंट किया और पाया कि सब उसमें 40 स्टूडेंट्स ने सही किया है. तो 40 डिवाइडेड बाय 100 उसमें भी तो 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो आ गया 0.80. इसका आया अपर ग्रुप का पासिंग प्रोपोर्शन, 0.40 लोअर ग्रुप का आया. इस तरीके से करके मैं अब हर आइटम का पासिंग प्रोपोर्शन निकालूंगा दोनों ग्रुप्स में. अब मैं गया क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 को मान लीजिए 50 लोगों ने सही किया अपर ग्रुप में तो पासिंग प्रोपोर्शन कितना हुआ, 0.50. मान लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को लोअर ग्रुप में भी 50% लोगों ने ठीक कर दिया तो आइटम उसका प्रोपोर्शन कितना होगा, 0.50. मैं हाइपोथेटिकल डेटा बना रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को अपर ग्रुप में 50 लोगों ने ठीक किया है तो फिर से 0.50. क्वेश्चन नंबर 3 को लोअर ग्रुप में एक भी स्टूडेंट ठीक नहीं कर पाया, मैं सब तरीके का सैंपल डेटा ले रहा हूं, तो मान लीजिए उसका प्रोपोर्शन कितना आएगा, 0.00. एक ने भी सही नहीं किया सब फेल हो गए, 0.00. ओके देन कमेंट्स अब आने बंद हो गए हैं क्या. ओके क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को अपर ग्रुप में 20 लोगों ने ठीक किया 100 में से तो प्रोपोर्शन कितना हुआ, 0.20. और लोअर ग्रुप में 60 लोगों ने ठीक कर दिया, मैं हाइपोथेटिकल डेटा उल्टा ले रहा हूं, तो इसका प्रोपोर्शन हो गया 0.60. ओके हमने इक्वल का भी केस ले लिया, जीरो वाला केस भी ले लिया, ये भी केस ले लिया. एक और केस ले लेता हूं पांचवे में. मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को अपर ग्रुप में 20 लोगों ने ठीक किया तो 0.20. क्वेश्चन नंबर 5 को
लोअर ग्रुप में एक भी विद्यार्थी ठीक नहीं कर पाया तो अगेन 0.00। मैंने जानबूझ के दो अलग अलग तरीके का डेटा लिया, इससे भी पिक्चर क्लियर होगी। अब जब मैं ये सारा अप टू 75 आइटम्स पूरा निकाल लूंगा, पासिंग प्रपोर्शन इन अपर ग्रुप, पासिंग प्रपोर्शन इन लोअर ग्रुप, तब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा डीवी और डीआई की। डीवी और डीआई, डीवी और डीआई से क्या मतलब है मेरा यहां पर, ये मैं अब बात कर रहा हूं अचीवमेंट टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एटीट्यूड स्केल में डीवी डीआई हम नहीं निकालेंगे, वो अलग तरीके से चलेगा टी टेस्ट की मदद से। डीवी इज डिफिकल्टी वैल्यू, डीवी, एंड डीआई इज डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। डीवी डिफिकल्टी वैल्यू, डिफिकल्टी वैल्यू किसी आइटम की कठिनाई स्तर को बताता है। एक लाइन में सिर्फ यहां बोल देता हूं, आप उसे कंफ्यूज ना हो, टेक्निकली डीवी उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है। आप डिफिकल्टी वैल्यू किसकी ज्यादा मानेंगे, जिस आइटम को कम लोगों ने पास किया हो उसकी डिफिकल्टी वैल्यू ज्यादा होगी, और जिस आइटम को ज्यादा लोगों ने पास किया उसकी डिफिकल्टी वैल्यू कम होगी, लेमेन हिसाब से, लेकिन चलता उल्टा है। जैसे अगर 0.80 लोगों ने पास किया है पासिंग प्रोपोर्शन किसी आइटम को, तो इसका मतलब उसकी डिफिकल्टी वैल्यू हाई है। कितना पासिंग प्रोपोर्शन है उसको डीवी बोलते हैं एक्चुअली में। और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स ये है कि कोई आइटम अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप में कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जो बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेसिटी है किसी आइटम की। तो अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप में कितना अंतर वो दिखा पा रहा है, वो आइटम उसकी कैपेबिलिटी है। मैं एक और एक दो इंटरेस्टिंग बात इससे रिलेटेड अभी करूंगा, एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं डीवी और डीआई, फिर मैं इससे रिलेटेड बात करूंगा कि कोई आइटम बहुत हाई डीवी और बहुत हाई लो डीवी होने पर कैसे गड़बड़ होता है। यहां एक और बात मैं कह रहा हूं कि इन पासिंग प्रपोर्शन इन अपर ग्रुप एंड पासिंग प्रपोर्शन इन लोअर ग्रुप के बेसिस पर डीवी और डीआई निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं लोगों ने। मैं बहुत सिंपल वाला फॉर्मूला लेके चलता हूं आपके साथ में, और ये फॉर्मूला अपर ग्रुप में 100 स्टूडेंट है, लोअर ग्रुप में 100 स्टूडेंट है, तो और आसान हो जाता है। तो ये जो अभी मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं वो उस कंडीशन में बता रहा हूं जब अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप में 100-100 स्टूडेंट है। ओके, तो डीवी निकालने के लिए मुझको सिंपली पासिंग प्रपोर्शन इन अपर ग्रुप और लोअर प्रपोर्शन, पासिंग प्रपोर्शन इन लोअर ग्रुप, इन दोनों का एवरेज निकाल देना है। ओ, बोर्ड उल्टा दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ये तो वाकई में बड़ा चैलेंज है। फर्स्ट टाइम आई नोटिस दिस, मतलब आई यूज व्हाइट बोर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूँ। ओके, लेट मी चेक, लेट मी ट्राई वन एडिशनल थिंग। आई होप अब बोर्ड ठीक दिख रहा है। यस, ओके, तो सीरियल नंबर है, क्वेश्चन नंबर है, जो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि बोर्ड अब सीधा दिखेगा। 1 टू 75 पासिंग प्रपोर्शन इन अपर ग्रुप, पासिंग प्रपोर्शन इन लोअर ग्रुप, एंड देन आई एम कैलकुलेटिंग डीवी। और मैंने ये कहा कि जब हम 100 स्टूडेंट्स अपर ग्रुप में हैं, 100 स्टूडेंट्स लोअर ग्रुप में हैं, उस सिचुएशन में सीधा फॉर्मूला डीवी निकालने के लिए है उसी कंडीशन में, अदरवाइज हम डिटेल फॉर्मूला यूज करेंगे। 100 के हो जाने से ईजी हो जाती है चीजें। उस सिचुएशन में मैं अपर ग्रुप का पासिंग प्रपोर्शन और लोअर ग्रुप का पासिंग प्रपोर्शन इसका एवरेज निकाल दूं तो मुझको डीवी मिल जाएगी। कैसे? पहले आइटम के लिए अपर ग्रुप का पासिंग प्रपोर्शन है 0.80,
लोअर ग्रुप के लिए पासिंग प्रोपोर्शन है 0.40, दोनों को जोड़ा, दो से भाग कर दिया तो मुझको मिल गया 0.60। तो डीवी फॉर आइटम नंबर वन इज 0.60। ऐसे ही डीवी फॉर आइटम नंबर टू, दोनों का एवरेज विल बी 0.50। डीवी फॉर आइटम नंबर थ्री वुड बी, इन दोनों का एवरेज अगेन 0.50। डीवी फॉर आइटम नंबर फोर, दोनों का एवरेज 0.40। डीवी फॉर आइटम नंबर फाइव, दोनों का एवरेज 0.10। डीआई निकालने के लिए इस सिचुएशन में, जब मेरे पास 100 स्टूडेंट्स अपर ग्रुप में है, 100 स्टूडेंट्स लोअर ग्रुप में है, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि 100 की मदद से हमको इजी पड़ जाता है, दोनों ग्रुप में इक्वल स्टूडेंट है। डीआई निकालने के लिए पासिंग प्रपोर्शन इन अपर ग्रुप माइनस पासिंग प्रपोर्शन इन लोअर ग्रुप विल वर्क। ये उस फॉर्मूले का डेराइव फॉर्म है जब मैंने 100 ले लिया है, दोनों ग्रुप में इक्वल स्टूडेंट्स हैं और दोनों में 100 स्टूडेंट्स हैं, अदरवाइज बेसिकली फॉर्मूला डिटेल्ड है। तो जब मैंने इस कंडीशन में लिया तो मेरा बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो मैंने कहा कि पासिंग प्रपोर्शन माइनस ऑफ अपर ग्रुप माइनस पासिंग प्रपोर्शन इन लोअर ग्रुप विल गिव मी डीआई। तो 0.8 फॉर आइटम नंबर वन, 0.80 माइनस 0.40, इट विल बिकम 0.40। सो 0.40 फॉर आइटम नंबर टू, 0.50 माइनस 0.50, इट विल बिकम 0.00। फॉर आइटम नंबर थ्री, 0.50 माइनस 0.00, इट विल बिकम 0.50। फॉर आइटम नंबर फोर, 0.20 माइनस 0.60 माइनस 0.40, माइनस वाली सिचुएशन आ गई। आइटम नंबर फाइव, 0.20 माइनस 0.00, द डीआई वुड बी 0.20। जब मैं ऐसे डीवी और डीआई सारे 75 आइटम्स के निकाल लूंगा तो फिर मैं अब डिसीजन लूंगा कि किस आइटम को मैं सेलेक्ट करूं, किस आइटम को रिजेक्ट करूं। डीवी और डीआई के बेसिस पर हम आइटम सेलेक्ट रिजेक्ट करते हैं। अब यहां कॉन्सेप्ट समझिए, डीवी की ऑप्टिमम वैल्यू 0.50 होनी चाहिए, यानी कि वो आइटम जिसको 50% लोग सॉल्व कर पा रहे हैं वो आइटम अच्छा माना जाता है हमेशा। क्यों मैंने ऐसा कहा, मान लीजिए किसी एक आइटम को 100% लोगों ने सॉल्व कर दिया। मैं एक मिनट जरा कमेंट्स आप लोगों के देख लूं, क्योंकि अब कमेंट दूसरी डायरेक्शन में है। ओके नहीं, कमेंट्स दिख रहे हैं सोनू, आने दीजिए क्वेश्चंस, आई विल एड्रेस देम, आने दीजिए क्वेश्चंस। मैंने ये कहा अभी आपको कि डीवी अगर 0.50 है तो बेहतर है, ऑप्टिमम वैल्यू है 0.50। ऐसा क्वेश्चन जिसको 50% लोग कर पाते हो वो सीधा सीधा दो ग्रुप में बांट देता है लोग। हालांकि सारे आइटम्स अगर ऐसे हो जाएंगे तो भी गड़बड़ होगा, उसके बारे में भी आएंगे हम। लेकिन अगर कोई आइटम इतना इजी है जिसको कि 100% लोग किसी ग्रुप के कर ले रहे हैं, अगर 100% लोग किसी ग्रुप के किसी आइटम को कर ले रहे हैं तो इसका मतलब उस आइटम में डिस्क्रिमिनेशन की पावर नहीं है। जब सभी लोग कर ले रहे हैं तो कौन कर जानता है गुण, कौन नहीं जानता है, कैसे पता लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कोई आइटम अगर इतना डिफिकल्ट है कि उसको एक भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। जब कोई सॉल्व ही नहीं कर पाएगा तो आप डिस्क्रिमिनेट कैसे करिएगा। पॉइंट यह है कि बहुत हाई डिफिकल्टी वैल्यू, यानी कि बहुत ज्यादा लोग उसको सॉल्व कर लें, मैंने कहा था डिफिकल्टी वैल्यू, कॉन्सेप्ट उल्टा चलता है। बहुत हाई डिफिकल्टी वैल्यू का मतलब है कि बहुत ज्यादा लोग उसको सॉल्व कर ले रहे हैं, बहुत लो डिफिकल्टी वैल्यू का मतलब है बहुत कम लोग उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अगर बहुत हाई डिफिकल्टी वैल्यू है तब भी क्वेश्चन यूजलेस है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, सभी सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर बहुत कम डिफिकल्टी वैल्यू है तब भी क्वेश्चन यूजलेस है, क्योंकि उसको ज्यादातर लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो डिफिकल्टी वैल्यू की डिफिकल्टी वैल्यू ऑप्टिमम होती है 0.5। इसीलिए जिन आइटम्स को हम सेलेक्ट करेंगे उनकी डिफिकल्टी वैल्यू 0.5 के आसपास होनी चाहिए।
तो अब यहां अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग डिसीजन लिए जाते हैं, ये डिसीजन मेकिंग बड़ा टास्क है, वो अभी इस लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम उस बड़े टास्क में अगर हम एक सपोर्ट लेना चाहें तो मैक्सिमम एक्सपर्ट्स हमको सजेस्ट करते हैं, ये एक साइकोमेट्रिक का पूरा डिटेल चैप्टर है इस बात के ऊपर कि हम कैसे डिसाइड करते हैं इस बात को, लेकिन हम मैं जनरल उसके फॉर्म में ले लेता हूं कि सजेस्टिव जो चलती है, हालांकि आपको अपने केस में डिसाइड करना होगा, तो डिफिकल्टी वैल्यू मुझको 0.50 के आसपास की लेनी है, तो मैंने डिसाइड किया कि सर मैं 0.30 से 0.70 जिसकी डिफिकल्टी वैल्यू होगी, डीवी होगी, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। रेंज 0.5, सबकी 0.5 तो नहीं मिलेगी, और ना ही मुझको सारे आइटम 0.5 वाले चाहिए, क्योंकि वो तो डाइकोटोमी क्रिएट कर देगा, दो हिस्सों में बांट के ग्रुप को अलग कर देगा, तो ऐसे आइटम जिनकी 0.5 के आसपास है, तो मैंने कहा कि जिसकी डिफिकल्टी वैल्यू 0.30 से कम है वो मैं उसको भी नहीं लूंगा, जिसकी डिफिकल्टी वैल्यू 0.70 से हाई है मैं उसको भी नहीं लूंगा। एज आई टोल्ड यू, बहुत हाई डिफिकल्टी वैल्यू और बहुत लो डिफिकल्टी वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है। हमको अगर लगता है मेरे केस में सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं है और उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 0.20 टू 0.80 भी जा सकता हूँ, 0.25 टू 0.75 भी जा सकता हूँ। मैंने कहा केस टू केस डिपेंड करेगा, अभी फॉर दिस केस आई एम कंसीडरिंग 0.30, और उसका रीजन है क्यों केस टू केस डिपेंड करता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं उन आइटम्स को सेलेक्ट करने के बेसिस पे, डिसीजन मेकिंग में कितना डिफरेंस पड़ेगा, ये सब चीजें उसमें फर्क पड़ती है। 0.30 से 0.70 मैंने एक डीवी की रेंज ली, वहीं डीआई का कॉन्सेप्ट समझिए, डीआई दोनों में, दो ग्रुप्स में, अपर ग्रुप और लोअर ग्रुप में डिस्क्रिमिनेट करने की कैपेसिटी है, किसी आइटम की ज्यादा डीआई होने का मतलब है वो दो ग्रुप्स को बढ़िया तरीके से विभेद करता है, किसी आइटम की डीआई कम होने का मतलब है कि वो दो ग्रुप्स को कम विभेद कर पाता है, और अगर ये सिचुएशन है कम विभेद की और ज्यादा विभेद की, तो जो ज्यादा विभेद करेगा, जो ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करेगा, वो बेहतर आइटम है, इसका मतलब हायर द डीआई बेटर द आइटम, जितना डीआई हाई होगा, डीवी ऑप्टिमम बेहतर है, बहुत हाई डीवी बहुत लो डीवी बेहतर नहीं है, वहीं डीआई के केस में हायर द डीवीआई बेटर द आइटम, लोअर द डीआई वर्स द आइटम, तो जितनी हाई डीआई मुझको मिल सकेगी उतना बढ़िया है, तो इसलिए हम डीआई का डिसीजन लेते समय सिर्फ लोअर लिमिट तय करते हैं कि मिनिमम इतनी डीआई किसी आइटम की होनी चाहिए। लोग सजेस्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, एज मैंने कहा जैसे डीवी का डिसीजन है कॉन्टेक्चुअल, ऐसे ही डीआई का डिसीजन है कॉन्टेक्चुअल, तो डीआई में हम सामान्यतः जैसे हमने लिया कि 0.30 एंड अबव जिसका डीआई होगा मैं उसको सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने डीआई के लिए डिसीजन लिया, देख लिया डीआई के लिए मैंने सिर्फ लोअर लिमिट तय की है, डीवी के लिए मैंने रेंज तय की है, और जब मैं किसी आइटम के बारे में डिसीजन लूंगा कि इस आइटम को सेलेक्ट करूं या रिजेक्ट करूं, ये मैं डिसाइड करूंगा दोनों को ध्यान में रखते हुए, डीवी और डीआई दोनों मेरी रेंज में होने चाहिए, दोनों में से एक भी चीज छूटी तो वो बात रह जाएगी, तो नहीं हम टेस्ट आइटम को सेलेक्ट करेंगे। कैसे? मैंने डीआई के लिए डिसाइड किया 0.30 एंड अबव, यानी कि जिस आइटम की डीआई मैं जिस आइटम को सेलेक्ट करूं उसकी डीआई 0.30 या ऊपर होनी चाहिए, प्लस प्लस है और नहीं, प्लस जिस आइटम को मैं सेलेक्ट करूं उसकी डीवी 0.30 से 0.70 के बीच में होनी चाहिए, जो आइटम मेरी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा वो आइटम सेलेक्ट होगा, जो नहीं करेगा वो आइटम रिजेक्ट होगा। देखें एक तरफ से आइटम नंबर वन से, हम लोग आइटम नंबर वन की डीवी है 0.60, मेरी रेंज क्या है 0.30 से 0.70 डीवी की, इसका मतलब डीवी की रेंज में ठीक है, तो मैंने इसको डीवी ओके किया। डीआई आइटम नंबर वन की डीआई है 0.40, मेरी रेंज है 0.30 एंड अबव, उस रेंज में आ रहा है 0.30 से ऊपर है, इसका मतलब इसका डीआई भी ओके है, आइटम का डिसीजन सेलेक्टेड। जब दोनों चीजें फुलफिल हो गई डीवी और डीआई, आइटम इज सेलेक्टेड। अब आइटम नंबर टू पर आइए, आइटम नंबर टू का डीवी है 0.50, रेंज है 0.30 से 0.70, डीवी इज ओके। आइटम नंबर टू, देखिए डीवी ऑप्टिमम है यहां पर 0.50 आ गई, लेकिन डीआई है 0, जो 0.3 से नीचे है, 0 डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, हाइपोथेटिकल डेटा है, रियल लाइफ में ऐसा डेटा जनरली नहीं आता है, 0 डीआई आई, तो डीआई के केस में एक आइटम फेल हो गया,
चूंकि दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई डीवी और डीआई की, सो आइटम इज रिजेक्टेड। आइटम नंबर थ्री, डीवी 0.50, वैल्यू है 0.30 0.70 के बीच में, सो डीवी इज ओके। डीआई 0.3 एंड अबव चाहिए, आइटम नंबर थ्री की डीआई है 0.50, आइटम ओके है, सेलेक्टेड। आइटम नंबर फोर, डीवी 0.40 रेंज के बीच में है, ओके। डीआई माइनस 0.40 0.30 से नीचे है, नेगेटिव वैल्यू है, सो डीआई इज रिजेक्टेड। माइनस में आ गया, मुझको तो 0.30 या अबव चाहिए था ना डीआई, यहां 0.40 है माइनस में, तो इससे नीचे हो गया, तो डीआई ठीक नहीं बैठा, तो आइटम इज रिजेक्टेड। इसलिए मैंने कहा था कि किसी आइटम में अगर लोअर ग्रुप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो वो आइटम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सेंस भी कहता है अपर ग्रुप को ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहिए किसी आइटम में बजाय लोअर ग्रुप के। इसमें कर रहा था लोअर ग्रुप बेहतर परफॉर्म कर रहा था, तो डीआई की वजह से वो आइटम रिजेक्ट हो गया। आइटम नंबर फाइव, डीवी 0.10 रेंज से बाहर है, गड़बड़ है। डीआई भी बाहर है, गड़बड़ है। कोई एक भी बाहर होता तो अभी हम रिजेक्ट करते, आइटम इज रिजेक्टेड। इन दिस वे यू कैन सी दैट आउट ऑफ दिस टेबल आइटम नंबर वन इज सेलेक्टेड, टू इज रिजेक्टेड, थ्री इज सेलेक्टेड, फोर रिजेक्टेड, फाइव रिजेक्टेड एंड सो ऑन अप टू 75 आइटम्स वी विल डिसाइड दिस थिंग। कितने आइटम सेलेक्ट हुए, कितने आइटम रिजेक्ट हुए, और इस तरीके से करते करते मैं अपने फाइनल आइटम सेलेक्ट करूंगा। मैं कैमरे का एंगल चेंज कर रहा हूं फिर से। मैं फिर से उस बात पर आता हूं हमने डीवी और डीआई का। जगमोहन सिंह पूछ रहे हैं वाई स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर बैड फॉर स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, अलग रीजन से। मैं आऊंगा इस बात पर, मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग आयरनी इसमें चलती है, मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाया करता हूं वो किस्सा। स्टैंडर्डाइज टेस्ट गोइंग ऑन, नो इंडिविजुअलिटी अलाउड। स्टैंडर्डाइज टेस्ट इंडिविजुअलिटी को केटर नहीं करते, इसलिए उनको बैड कहा जाता है। ऐसे बैड ऐसे बुरे नहीं है, उनके भी अपने यूज हैं, दोनों के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। मैं पता नहीं, अब आज सेशन लंबा हो गया है, मैं उस बारे में आज बात शायद ना कर पाऊँ, आई हैव टू बी देयर इन सम अदर सेशन एट 12:30, तो अभी आज उस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन वो है, इंडिविजुअलिटी की केटरिंग नहीं होती है उसमें, स्टैंडर्डाइज सबको एक पैमाने से नापते हैं ना। ओके, जब मैंने डीवी और डीआई का डिसीजन ले लिया, इस बेसिस पर मैं अपने फाइनल आइटम सेलेक्ट करूंगा। फाइनल आइटम सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास कंडीशन दो हो सकती है, या तो आइटम 50 मुझे चाहिए थे, 50 के 50 सेलेक्ट हो गए, या 50 से कम या ज्यादा सेलेक्ट हो गए। अगर मैंने जैसा कहा शुरू में कि अगर मुझे फिक्स 50 आइटम ही चाहिए, तो अगर 50 सेलेक्ट नहीं हुए हैं, कम या ज्यादा सेलेक्ट हुए, तो मुझको फिर एक डिसीजन लेना होगा। और अगर मुझको चाहिए थे 50 की जगह 48 सेलेक्ट हो गए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो काम चल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मुझको 50 ही चाहिए और आइटम कम या ज्यादा सेलेक्ट हो गए हैं इस प्रोसेस से, तो ज्यादा हो गए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप इस क्राइटेरिया को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट कर दीजिए, थोड़ा और टफ कर दीजिए, आप डीवी की रेंज को कम कर दीजिए, डीआई की लिमिट को बढ़ा दीजिए, डीआई की मिनिमम वैल्यू को बढ़ा दीजिए, कुछ दो चार आइटम और रिजेक्ट हो जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे उसी संख्या पर, आसान है। अगर आइटम कम सेलेक्ट हुए, इसका मतलब है कि मुझको क्राइटेरिया या तो लोअर डाउन करना होगा। अगर मैंने क्राइटेरिया पहले से बहुत लोअर कर रखा है, तो मुझको चाहिए मुझको और आइटम लिखने होंगे, फिर से सारा प्रोसेस करना होगा। जो कमेंट में क्वेश्चन सारे मैं करूंगा, आनंद आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूंगा बाद में, अभी तो तुरंत नहीं इस पे कर पाऊंगा, डिटेल में आपसे जानना होगा इसके बारे में एक दो चीजें। तो आइटम्स जो है अगर चल रहे हैं इस सिचुएशन में,
ज्यादा सेलेक्ट हो गए तो आसान है, रिजेक्ट कर देना, आई क्राइटेरिया टफ कर दीजिए। लेकिन अगर आइटम कम सेलेक्ट हुए हैं और काफी कम सेलेक्ट हुए हैं और क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी लोअर डाउन कर रखा है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं दोबारा से आइटम्स लिखूं, दोबारा से प्रोसेस करूं। और अगर दो चार ही आइटम कम पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा लोअर डाउन करिए क्राइटेरिया को, आइटम बढ़ जाएंगे। इस तरीके से दोनों सिचुएशंस में ये काम किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली मैं अब डिसाइड करूंगा कि मेरे लिए ये आइटम एनालिसिस के बाद के आइटम जो ठीक हैं या नहीं है। मान लीजिए मेरे मैं एक हाइपोथेटिकल केस ले रहा हूं कि 50 आइटम 50 के 50 सेलेक्ट हो गए मुझे जैसे चाहिए थे, या 48 सेलेक्ट हो गए, मेरा 48 से काम चल जाएगा। तो नाउ आई हैव क्वेश्चंस फॉर माय फाइनल फॉर्म ऑफ द टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। एटीट्यूड स्केल के लिए हम अलग तरीके से करते हैं। तो अब मेरे पास आइटम हो गए, फाइनल फॉर्म हो गए, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हो गया। नाउ द थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज ड्रेस रिहर्सल, जिसको हम बोलते हैं। अब मेरे पास फाइनल फॉर्म में 50 आइटम है, सिर्फ फॉर एग्जांपल 50 आइटम है, और उन 50 आइटम्स को मैंने फाइनल फॉर्म के लिए रख लिया। अब मुझे टाइम का भी आइडिया है, अगर 90 मिनट्स लग रहे थे 75 आइटम्स में, तो उसका मतलब 60 मिनट्स मुझको चाहिए 50 आइटम्स के लिए। तो नाउ आई हैव ए फाइनल फॉर्म ऑफ टेस्ट जिसमें 50 आइटम है, एक घंटा उसकी टाइम लिमिट है, बाकी सारी चीजें डिसाइडेड है, इंस्ट्रक्शंस ओके हैं, सब ओके है। अब इसका मैं एक तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा जिसको ड्रेस रिहर्सल बोलते हैं। ड्रेस रिहर्सल ऐसे समझिए जैसे आप कोई नाटक करने जा रहे हो, नाटक वाले लोग करते हैं जो ड्रामा करते हैं स्टेज पर लाइव लोगों के सामने, वो स्टूडियो स्टेज पर लोगों के सामने लाइव आने से पहले एक बार ड्रेस रिहर्सल करते हैं। ड्रेस रिहर्सल का मतलब है कि आप प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहन के फाइनल, जैसे एक तरीके से फाइनल ही परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो ड्रेस रिहर्सल ही उसी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है। ये मान के चलिए कि आप फाइनल में टेस्ट लगाने जा रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पर, तो उस तरीके का हम रिहर्सल करते हैं कंप्लीट टेस्टिंग सिचुएशंस में। और इस एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस एक तो यह है कि एक फाइनल रिव्यू कर लेना, कोई बहुत बारीक चीज छूट तो नहीं गई है, पहला काम। और दूसरा मेजर काम है टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टेब्लिश करना। इस तीसरे एडमिनिस्ट्रेशन से जो मेरे पास डेटा आएगा उसके बेसिस पर मैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टेब्लिश करूंगा अपने टेस्ट की। और ये थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन या ड्रेस रिहर्सल हम फिर से लगभग 100 स्टूडेंट्स, पहले 100 स्टूडेंट्स प्री ट्राई आउट वाले अलग, मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अलग, 400 स्टूडेंट्स या 370 स्टूडेंट्स सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन के अलग, अब नए 100 स्टूडेंट उसी पॉपुलेशन से नया सैंपल 100 स्टूडेंट्स का फिर मैं एक बार लूंगा और उन 100 स्टूडेंट पर फिर से एक बार टेस्ट एडमिनिस्टर करूंगा। और उस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टेब्लिश करूंगा। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टेब्लिश करने का अलग टॉपिक अलग सेशन में डिस्कस या तो हो चुका होगा या हो जाएगा इस फोरम पर, वो पूरी अलग प्रक्रिया है, रिलायबिलिटी की अलग है, वैलिडिटी की अलग है, लेकिन हम वो प्रक्रिया पूरी करके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी एस्टेब्लिश करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जैसा मैंने कहा नॉर्म, नॉर्म की अगर मुझको जरूरत है तो मैं एस्टेब्लिश करूंगा, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं तो मुझे कोई जरूरत भी नहीं है उसको एस्टेब्लिश करने की। कर्नबेक कहते हैं कि बिना नॉर्म के भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहलाएगा। अगर करना ही है मुझको तो नॉर्म के लिए मुझको एक बड़ा ग्रुप लेना होता है, बड़ी संख्या, कुछ लोग कहते हैं मिनिमम 1000, कुछ लोग कहते हैं मिनिमम 3000, डिपेंड करता है मेरी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, उसका एक बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का पॉपुलेशन का काफी बड़ा हिस्सा जिसमें आ जाए, क्योंकि नॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो क्या एवरेज परफॉर्मेंस बड़े ग्रुप की पॉपुलेशन की मेरी आती है वो मैं एस्टेब्लिश करता हूँ नॉर्म्स के बेसिस पर। तो नॉर्म की अगर मुझे जरूरत है तो एस्टेब्लिश करूंगा, और अगर मुझको इसको प्रोफेशनली यूज करवाना है आगे तो मैं उसका मैनुअल, और भी कुछ लोग इसको यूज करने वाले तो एक मैनुअल तैयार करूंगा। मैनुअल में उसका बैकग्राउंड, उसका कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का प्रोसेस, पूरे टेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस, आइटम एनालिसिस की डिटेल्स, वैलिडिटी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कितना पाया, रिलायबिलिटी का एस्टेब्लिशमेंट कितना हुआ, कैसे पाया, कैसे स्कोरिंग करेंगे और कैसे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ नॉर्म्स, अगर नॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो, उन सब का जिक्र इसमें दिया रहता है। और इस तरीके से मेरा टेस्ट कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कंस्ट्रक्शन जो मैंने अचीवमेंट टेस्ट नॉर्म रेफरेंस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर मुझको जिसका करना है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, ओके तो मैं किसी कमेंट को पढ़ रहा था। तो इस तरीके से हम एक स्टेप पूरा करते हैं और फिर कभी और किसी सेशन में फिर आपसे बात होगी कि एटीट्यूड स्केल के लिए हम कैसे करेंगे, उसका आइटम एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से चलता है।
बाकी स्टेप सेम है, आइटम एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से चलेगा। ऐसे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के लिए हम कैसे आइटम एनालिसिस करते हैं, अगर मैं कोई क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट डेवलप कर रहा हूँ तो उसका आइटम एनालिसिस थोड़ा अलग तरीके से हम करते हैं, उसमें हम BI और सब निकालते हैं, DI BI और डिफरेंस इंडेक्स होता है DI, तो वो हम इस्टेब्लिश करते हैं उसमें, और किसी और सेशन में उसके बारे में बात होगी। आज के लिए जो मुझे बात करनी थी वो इतनी ही है। आप लोगों के प्रश्न मुझको दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के, मैं कोशिश करूंगा कि बाद में शाम के वक्त में या कल वल में किसी दिन आपके कमेंट्स में उसको रिप्लाई करूं, कोशिश करूं देने की, क्योंकि अब इस सेशन को और कंटिन्यू, लंबा भी बहुत हो गया है सेशन, और अभी के ज्योति पूछ रही है रिलायबिलिटी वैलिडिटी एक्सप्लेन कीजिए, रिलायबिलिटी वैलिडिटी थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, उसको अभी इसमें शामिल कर पाना मुझे लगता नहीं कि संभव होगा, और सेशन दूसरा भी अटेंड करना है। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोग यहाँ जुड़े रहे। एक बात मैं बस बोल देता हूँ ज्योति जो पूछ रही हैं रिलायबिलिटी वैलिडिटी वाले में, कि रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है, कॉन्टेक्चुअल नहीं होती, वैलिडिटी कॉन्टेक्चुअल है, वैलिडिटी से रिलेटेड है, और वो कॉन्टेक्चुअल होती है हमेशा, इसीलिए रिलायबिलिटी एब्सोल्यूट होती है। हम कह सकते हैं ये टेस्ट रिलायबल है, बात खत्म, ये टेस्ट वैलिड है नहीं कह सकते, किसके लिए वैलिड है ये कहना पड़ता है। वैलिडिटी इज कंसर्न विद व्हाट द टेस्ट मेजर्स एंड हाउ वेल इट डस सो, क्या नापने के लिए बना है। एक टेस्ट मैंने बनाया उसमें हिंदी के आइटम्स हैं, तो हिंदी के लिए रिलायबल भी हो सकता है, वैलिड भी हो सकता है, वही आइटम रिलायबल तो होगा लेकिन मैथ्स के लिए वैलिड नहीं होगा, मैथ्स अचीवमेंट के लिए। तो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। रिलायबिलिटी इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी, किसी डिफरेंट सेशन में अलग सेशन में इनके बारे में डिटेल से बात की जा सकती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे समझिए, एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरी घड़ी में इस वक्त 3 बज रहे हैं, कल भी 3 बज रहे थे इस वक्त, आज भी 3 बज रहे हैं, कल भी, मैंने फिर से मैं चेक करूंगा अगर कल, तो कल भी अगर इस वक्त 3 बजते हैं तो मेरी घड़ी रिलायबल है। लेकिन घड़ी का काम क्या है, सही समय बताना, सही समय इस वक्त 3 नहीं बज रहे हैं तो इसका मतलब मेरी घड़ी वैलिड नहीं है, रिलायबल तो है वैलिड नहीं है। मेरी घड़ी में अगर इस वक्त 12:20 हो रहे हैं, वो सही टाइम भी है, कल भी 12:20 हो रहे थे इस वक्त, कल भी 12:20 होंगे इस वक्त, तो रिलायबल भी और वैलिड भी है। तो वैलिडिटी ऑब्जेक्टिव से जुड़ी हुई होती है। जो दिख रही है आई वॉन्ट इट व्हाइट बोर्ड विद एग्जाम्पल्स, ओके, किसी नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, और डॉक्टर सोमू सिंह को फिर से बहुत धन्यवाद इस फोरम को प्रोवाइड करने के लिए, और ये बड़ा सक्सेसफुल उनका मंच है, एक बड़ा नेशनल लेवल अचीवमेंट है उनका, तो सोमू सिंह को बहुत बधाई, और आप सभी को बहुत शुक्रिया कि आप ध्यान से बने रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।